आप देख रहे हैं एस न्यूज़, खबरें हर पल की। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं प्रतीक मिश्रा। और अब वक्त हो चला है 5 मिनट में 25 खबरों का। महाराष्ट्र में भारी बारिश से रत्नागिरी में बांध टूटा, 6 लोगों की मौत, 19 लोग लापता, वहीं स्थानीय प्रशासन ने 6 शव बरामद। मुंबई में भारी बारिश के बीच महिला ने रेलवे स्टेशन पर दिया बच्चे को जन्म, जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित। 72 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा मानसून, मध्य भारत में ठहरने से कई राज्यों में मूसलाधार बारिश। मुंबई में आज भी तेज बारिश का अलर्ट, अब तक 43 लोगों की मौत। दिल्ली बैंकों की शिकायतों पर बनाई रणनीति, 300 से ज्यादा अधिकारियों ने 61 ठिकानों पर की छापेमारी। ममता बनर्जी का यू टर्न, बंगाल में भी गरीबों को मिलेगा 10% आरक्षण। फतेहपुर में स्कूली बस में ट्रक ने मारी टक्कर, 4 बच्चे समेत 3 लोग घायल। सीएम योगी ने 600 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई, 200 से ज्यादा जबरन मिटाए। लखनऊ में समीक्षा अधिकारी की बिटाई, 4 घंटे तक चलता रहा प्रदर्शन, सीओ के खेत पर निपटा। सीतापुर में सराफ की दुकान पर शटर तोड़कर 3 लाख की चोरी, घर पर भी पार किए 5 लाख। लखनऊ आज से बंद हो जाएगी, लखनऊ से सिंगापुर की सीधी उड़ान 3 साल पहले हुई थी शुरुआत। प्रयागराज हाईकोर्ट के जज ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिख जजों की नियुक्ति पर उठाए सवाल। हल्द्वानी खुले में शौच करने को मजबूर हुए कैलाश मानसरोवर यात्री, पहले दल के लौटे यात्री। देहरादून में सहकारी बैंकों के 19,000 कर्जदारियों को बड़ी राहत, वन टाइम सेटलमेंट की योजना लागू। जोशीमठ क्रिकेट टूर्नामेंट से वापस लौटते वक्त खाई में गिरी कार, 4 युवकों की शव। श्रीनगर में बारिश में चट्टान टूटने से बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे, 8 घंटे में खुला, भूखे प्यासे जाम में फंसे रह गया। शिमला में परिवहन मंत्री के क्षेत्र में चक्का जाम, सड़क पर बैठी विद्यार्थी, जमकर की नारेबाजी, बसों की कमी से परेशान यात्रियों ने किया चक्का। जल संकट, राजस्थान में बनेगा नया कानून, प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन मिलेगा 70 लीटर पानी। दिल्ली में पारा गिरा पर उमस ने छुड़ाए पसीने, आज से हल्की बारिश की उम्मीद। कन्नौज में पुलिस की जीप बेकाबू होकर पलटी, 1 सिपाही की मौत, 4। लखनऊ में बेकाबू हुआ ट्रक, टेम्पो को टक्कर मारते हुए होटल में जा घुसा, 3 की ले ली जान। एटा में शादी समारोह में गर्भवती से मारपीट, गर्भपात के बाद 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीएम योगी ने 600 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ की कार्रवाई, 200 से ज्यादा जबरन रिटायर। अमरनाथ यात्रा के काफिले के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रतिबंध को लेकर राजनीति गर्म। बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया, अंक तालिका में हुआ बड़ा उलट। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, देखते रहिए एस न्यूज। आप देख रहे हैं एस न्यूज, खबरें हर पल की।